साथियों, मैं डॉक्टर ऋचा वाशने संभव नेचर केयर हॉस्पिटल से। साथियों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा। आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्प्स रिवाइवर पॉइंट, यानी कि लाश को जिंदा कर देने वाला पॉइंट। चौंक गए होंगे आप इस टॉपिक को सुनकर। एक्चुअली ये चाइनीज एक्यूप्रेशर का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चाइना में जब कोई व्यक्ति पानी से डूबकर मर जाता है तो वहाँ जो चाइना के लोग हैं वो उस व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं करते हैं। वो रात भर के लिए एक जो पॉइंट है कॉर्प्स रिवाइवर पॉइंट, वहाँ पर वो निडल लगाकर रात भर के लिए उस जो डेड बॉडी है उसको छोड़ देते हैं और 100 में से एक व्यक्ति जिंदा हो जाता है, तभी इसका नाम है कॉर्प्स रिवाइवर पॉइंट। इस पॉइंट का ही दूसरा नाम है पल्स मीटिंग पॉइंट, यानी यदि कोई व्यक्ति मर रहा हो और उसकी पल्स ना मिल रही हो तो इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे, चाहे मेथी दाने से या मटरा से या चना से, मकसद यही है कि हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करें, चाहे नडल लगाएं, तो जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की जो पल्स है वो मिलने लग जाए और जो रोगी मर रहा था वो बच जाए। आइए जानते हैं वो प्रेशर पॉइंट हमारा कहाँ पर है। ये हमारा हाथ, हाथ का जो ये रिस्ट जॉइंट है, रिस्ट फोल्ड है, आप देखिए इसके साइड में जब मैंने मार्क किया हुआ है टुवर्ड्स थंब, ठीक है, थंब के नीचे की तरफ में जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है इस जॉइंट पे, यहाँ ये पॉइंट है। सेम यही पॉइंट हमारा इस साइड में भी है। तो आपको क्या लेना है, पेपर टेप। पेपर टेप में आप लगाएंगे मेथी का दाना या मटरा या चना, जो भी आपके पास है वो लेके आपको जो ये भी हमने प्रेशर पॉइंट बताया, इसी प्रेशर पॉइंट पे आपको स्टिमुलेट करना है। इसको हमने लगा दिया, अभी मैंने मेथी का दाना लगाया हुआ है, आप मटरा या चना भी लगा सकते हैं। आपको इस पॉइंट को दबा दबा के प्रेशर दे दे के आपको स्टिमुलेट करना है, ये दोनों तरफ करना है, राइट साइड में भी एंड लेफ्ट साइड में भी। तो आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति की पल्स नहीं मिल रही थी और जो बिल्कुल मरने की कगार पे था, क्योंकि जब पल्स नहीं मिलेगी तो बट नेचुरली हम कह देंगे कि व्यक्ति मर चुका है, डेड हो गया, क्योंकि इसकी पल्स नहीं मिल रही है। तो क्योंकि पल्स मीटिंग पॉइंट है और बहुत पेशेंट्स जिसकी पल्स नहीं मिल रही है इस पॉइंट को स्टिमुलेट करते के साथ ही उनकी पल्स मिलना शुरू हो जाती है और मरता हुआ व्यक्ति बच सकता है। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे विनती है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ साथियों, ये चिकित्सा पद्धति बहुत सरल है, सहज है, इसे कोई भी सीख सकता है। तो यदि आपका मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क भी कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।